सीएम गहलोत का ऐलान, सब हुए हैरान। महंगाई पर बताया सुपर एक्शन प्लान। क्या 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर? 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में एक कैटेगरी बनाकर जनता को घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अगले महीने सरकार अपना बजट पेश करेगी और उस बजट में हम जनता को हर तरफ से राहत देने का काम करेंगे। अशोक गहलोत का बयान सुनवाते हैं आपको। मैं मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। 500 रुपए मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा दाल चावल तेल हर चीज महंगी हो गई है, मैं चाहूँगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के नाम पर जो नाटक किया गया उसके तहत सिलेंडर तो दिए गए लेकिन इतने महंगे कर दिए गए कि आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की गैस की टंकियां खाली पड़ी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स ईडी से लोगों को डराती है लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी वाले अब खुद डरे हुए हैं। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीबों को LPG कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट। राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद ERCP की बात की गई, भंवर साहब ने, अलवर भी उसमें आता है, जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करके भूल गए हैं, 2 बार जयपुर में अजमेर के अंदर 13 जिले के सिंचाई, 2 लाख हेक्टर सिंचाई का, पीने के पानी का संकट है, भुगत रहे आप लोग, एहसास है सरकार को, कोई कमी नहीं रखेगी, इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है, मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है, पानी विषय राज्यों का होता है। 9.5 हजार करोड़ रुपये मैंने रख दिए हैं, केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे,